हेलो एवरीवन, ओपन सिक्योरिटी स्टोर में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, वो टॉपिक है क्रैकिंग विंडोज पासवर्ड यूजिंग लिनक्स। पासवर्ड्स को क्रैक करना। क्रैकिंग और हैकिंग में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्रैकिंग का मतलब होता है पासवर्ड्स का पता करना। क्रैकिंग पासवर्ड मतलब पासवर्ड का पता करना कि एग्जैक्टली पासवर्ड क्या है। हैकिंग का मतलब पासवर्ड को चेंज करना, मॉडिफाई करना, या जो यूएसई होती है सिक्योरिटी और यूजर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं विंडोज के, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, उनको चेंज करना हैकिंग कहलाता है। और एग्जैक्ट पासवर्ड्स का पता करना और बिना चेंजेस किए कुछ भी करना वो क्रैकिंग कहलाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कालीनक्स के थ्रू पासवर्ड्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक लॉगिन विंडो है, इसके पासवर्ड्स मुझे नहीं पता। मैं इसको हैक करता हूँ तो क्या होगा कि इसमें कई मायनों के अंदर डेटा चेंजेस होंगे। डेटा किस तरह से, जैसे पासवर्ड चेंज होंगे, एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा, ये है। अब मुझे इतना सब कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पासवर्ड चाहिए और मुझे पासवर्ड पता करना है इसका एग्जैक्टली पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कालीनक्स है उसका जो डीवीडी या बूटेबल जो पेन ड्राइव है वो आप इंसर्ट कर दीजिए। उसको इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले फिर है ना रिबूट कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विंडोज़ के जो पासवर्ड्स होते हैं वो NTLM ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं और साथ में पासवर्ड स्टोर होते हैं विंडोज़ के अंदर विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फिग नाम के फोल्डर के अंदर सेम डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, फिर सी ड्राइव को माउंट करना है। सी ड्राइव माउंट करने के बाद आपको टर्मिनल में जाना है। मैं यहाँ पे प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सही रहेगा। सीडी बैकस्लैश मीडिया एलएस cd ls। अब देखिए विंडोज, ठीक है। अब हमें जाना है विंडोज सिस्टम 32 क्विक कॉन्फिग ls। यहाँ पे देखिए सेम जो डेटाबेस, इसके अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। नॉर्मली इसको डायरेक्ट रीड नहीं किया जा सकता, इसे थर्ड पार्टी और टूल के थ्रू रीड करना पड़ता है सेम रीडर के थ्रू। सिस्टम्स के अंदर यूज़र की कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, तो यहाँ पे हम इसको रीड करने के लिए हम PWDump का यूज़ करेंगे। PWDump आप देख सकते हैं, PWDump में सबसे पहले सिस्टम आई चाहिए, मतलब सिस्टम फाइल्स, ये सिस्टम फाइल। फिर उसके बाद सेम, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि लिनक्स केस सेंसिटिव कीवर्ड्स का यूज़ करता है। केस मतलब केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इसमें कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल ए इज डिफरेंट, कैपिटल ए इज डिफरेंट, स्मॉल ए इज डिफरेंट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। PWDump फिर सिस्टम एंड देन सेम इज कैपिटल, ओके एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबकी हैश आ चुकी है। अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड क्रैक नहीं करना चाहते हो तो इस हैश को कॉपी करके आप कई दूसरी जगह भी क्रैक कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन भी आप पासवर्ड्स को आप क्रैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस यूज़र के पासवर्ड को पासवर्ड क्रैक करना है कॉपी। फिर मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ पे हैश नाम HASH और इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो विक्टिम है
जो यूजर है, यूजर में वी बड़ा है, ठीक है, यूजर का नाम है विक्टिम। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, ओके। अब एक नया टर्मिनल ओपन करना है, फिर इसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, डेस्कटॉप एलएस। अब आप देख सकते हैं हैश नाम की फाइल यहाँ पे है। अब विंडोज के पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए हम जॉन जो पासवर्ड क्रैकिंग यूटिलिटी है उसका यूज करेंगे, जॉन स्पेस टैग टैग फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है कि जो हैश है वो किस तरह की है। हैश NTLM है तो NT2, फिर टैग टैग यूजर्स, किस यूजर की क्रैक करनी है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूजर कॉपी कर रखा, मैं पेस्ट कर विक्टिम। फिर जिस यूजर की हैश है, ये यूजर की हैश यहाँ पे इस फाइल के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे हैश। अब देखिए यहाँ देख सकते हो कि विक्टिम नाम के यूजर का पासवर्ड क्या है, हैकर इजीली क्रैक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको रिबूट कर लेता हूँ। अब हमारे पासवर्ड इजीली क्रैक हो गए। तो लिनक्स के अंदर विंडोज के पासवर्ड्स को क्रैक करना बहुत आसान है। जॉन यूटिलिटी सबसे पावरफुल यूटिलिटीज है, जो टॉप लेवल के हैकर्स हैं या हर तरह के हैकर्स हैं आज भी जॉन यूटिलिटी का यूज़ करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। मेरा पासवर्ड है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।